अस्सलाम वालेकुम क्लास, वालेकुम हाउ आर यू ऑल? फाइन मिस, फाइन मैम. ओके ओके क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर राइट नाउ इन द क्लास? देयर आर 24 स्टूडेंट्स. ओके क्लास, मुझे आप लोगों की कंप्लेन मिली है, आप लोगों की तरफ से, सॉरी आप लोगों की नहीं, आप लोगों की तरफ से, आपकी मतलब आप लोगों की तरफ से मुझे कंसर्न मिला है कि आप लोग जो हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद द मार्क्स यू हैव सिक्योर्ड इन योर प्रेजेंटेशन. तो क्या मुझे अपने कंसर्न्स बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आप आराम से फ्रीली शेयर कर दें बेटा. फ्री ओके, बिल्कुल इजी ओके, आप मुझसे शेयर करें कि आपके साथ आपका क्या मसला है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप क्यों आप सेटिस्फाई नहीं हो. मेरा है यहाँ पे जी. मेरा जी, मेरा बच्चों ने आपसे कहा था जी मैम? कितने बच्चों ने कहा था आपसे मैम? मुझे एक बच्ची ने बोला था कि उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, मतलब उनकी जो प्रेजेंट उसमें उन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए हुए थे, पिक्चर्स लगाई हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा लिखा नहीं हुआ था और बहुत प्रैक्टिस थी और मतलब जो रूल्स थे वो सारे फॉलो किए थे. और कुछ बच्चे ऐसे में बहुत ज्यादा कंटेंट जो था वो लिखा हुआ था, उन्होंने सिर्फ स्लाइड्स रीड की हैं और कह रही है कि हमारे सेम मार्क्स हैं, मतलब मेहनत की और किसी ने नहीं की तो हमारे सेम मार्क्स हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत इश्यू हो रहा था. अच्छा, तो नहीं, वो जो एक ही बच्ची थी या दो तीन लोगों ने कहा आपको ये बात? मेरा मैम ये मुझे एक ही बच्ची ने बोला. और बाकी बच्चों का क्या क्या ख्याल है? यस क्लास, व्हाट अबाउट जबरदस्त मार्क्स है, बेरे 22 है और आई एम हैप्पी विद इट. मैं मुझे और क्या चाहिए मिस? मुझे मार्क्स दिए आप देखिए, मतलब मुझे, मैं यही कहूंगी कि मैंने मैंने ये सोचकर कि आप लोगों का मिड टर्म है, उसके अलावा ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में आपको मुझसे मार्क्स मिल सकते हैं, तो मैंने किसी को भी 16 से कम मार्क्स नहीं दिए हैं, किसी को भी, मतलब आप ये देखिए मैंने किसी को भी नहीं दिए. अगर एक बच्चा 20 डिजर्व कर रहा है तो मैंने उसको 22 कर दिए, एक बच्चा अगर 21 डिजर्व कर रहा है तो मैंने 23 दे दिए, एक बच्चा अगर 18 डिजर्व कर रहा है तो मैंने उसको 20 कर दिया, एक बच्चा 10 डिजर्व कर रहा है मैंने उसको 16 दे दिए. तो मतलब मैंने कोशिश ये की है कि आपके ये 25 जो 25 मार्क्स हैं, ये एब्सोल्यूट मार्क्स हैं, ये आप लोगों के जाया ना हो जाएं, आप लोगों के इसकी वजह से आप लोगों के ग्रेड्स ना गिरें, तो मैंने उस लिहाज से आप लोगों की मार्किंग की है. और दूसरी बात क्लास, अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों को फेयरली मार्क्स नहीं मिले हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों के इस प्रेजेंटेशन के मार्क्स 5 कर दूंगी और जो 20 मार्क्स है उसके मैं आप लोगों से एक एग्जाम ले एक पेपर ले लूंगी आप लोगों से. आपका no, पेपर होगा हो जिसमें दो क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स से दो क्वेश्चन होंगे. जिन बच्चों को मसला है ना उनको दूसरे सेक्शन में भेज देते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में और प्रेजेंट करने में, इतनी तैयारी. देखिए मैं भी यही कहूंगी, देखिए हर बच्चे ने तकरीबन जिसका अच्छा नहीं भी बना उसने भी मेहनत की है और उसने भी जो है वो रमजान के रोजों में उसने भी मेहनत की, उसने बनाया है. तो लाइक द पॉइंट इज के मेहनत हर किसी ने की है, तो बाकी जिनकी परफॉर्मेंस ऑनलाइन यानी जूम मीटिंग में अच्छी थी तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मैं दूंगी, ठीक है. और बाकी रहे जो आप लोगों के साइज के मार्क्स हैं वो इतने ज्यादा तो मैटर नहीं करते कि आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के मार्क्स खराब कर दें. हो सकता है कि एक बच्चे को मैंने स्लाइड्स में कम दिए हों लेकिन उसने डिलीवरी उसकी अच्छी की हो तो उसकी वजह से उसके बराबर आ गए रिजेक्शन के बाद. और हो सकता है कि जिस जो बच्ची कह रही है अगर उसके 20 मार्क्स हैं उस बच्चे के, तो हो सकता है कि उसके मैंने उसको मैंने स्लाइड्स में अच्छे मार्क्स दिए हों उसको बहुत, और डिलीवरी में शायद उसका थोड़ा सा मसला हुआ हो या दूसरे किसी अच्छी से मसला हो गया तो मैं उसको कम दिए हों और उससे बराबर हो गए. तो यू कैन नेवर जज कि मतलब टीचर ने कैसे मार्किंग की है. टीचर को पता होता है कि हम मैंने कैसे मार्क करना है और हमें पता होता है कि हमने किसको किस तरह से मार्क करना है क्योंकि हम लोग सारा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. द सेकंड थिंग इज मैंने आप लोगों से कहा था कि आई वांट यू टू ओपन योर कैमरा, टर्न ऑन योर कैमरा, तो आप लोगों ने कहा कि नहीं कैमरे के बगैर हम करेंगे, तो आई सेड ओके दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील. तो मैंने आप लोगों की बात मान के मैंने फिर उस चीज को रखा कि आप लोगों का हम लोग ओपन कैमरा ऑन नहीं करवाते.
लेकिन फिर बात वही आ गई कि मतलब बच्चों को अगर फिर भी प्रॉब्लम है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे हैव स्कोर्ड देन दैट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें. मैं आराम से 5 मार्क्स का ये प्रेजेंटेशन कर दूंगी और 20 मार्क्स का एक पेपर ले लूंगी आपसे. इट्स नॉट अ बिग डील. दूसरे सेक्शन में बच्चे सब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं इंग्लिश का, जितनी सख्त मिस है. ये एक दफा उधर हुआ है, एक दफा उधर हुआ है, उन्होंने पेपर लिए, वाइवा लिए, क्विजेस भी लिए इतने ढेर सारे. ये बच्चे अभी भी खुश नहीं है. एक दफा मिस रिदा के पास होके आ जाएंगे, मैं कहूंगा ये आपके पास भागते भागते वापसी आएंगे. मैं 8 बजे नहीं उठ सकता, मैं फिर भी 8 बजे की क्लास लेता हूँ. मैं सिर्फ इसी वजह से आया कि वहां पे वो मिस पहुंच सकते हैं. अच्छा, सिर्फ एक अच्छा होके आ जाए. क्लास में और सेक्शन से बहुत सारे बच्चे आना चाह रहे हैं कि आप अभी भी मिस, अभी भी बच्चे कह रहे हैं कि हमने मिस के पास आना है. तो अब आप ये देखें ना, अगर आपको यही बात, मैं यही बात आपको कहना चाह रही हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस पेंडेमिक में, हालांकि मैं, मेरी नेचर ऐसी नहीं है, लिटरली बताऊँ, मैं सच्ची आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ. आपको पता नहीं है कि मैं, आपकी सोच है कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन टीचिंग में अपने आपको फ्लेक्सीबल किया है. आई हैड टू वर्क ऑन माई सेल्फ कि मैंने अपने आपको बड़ा कहा, मैंने अपने आप पर वर्किंग की है कि नहीं, मैंने बच्चों को इतना टफ टाइम नहीं देना जिस तरह से मैं ऑन कैंपस क्लासेस में देती थी. और अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मुझ में आती जा रही है. तो इस दफा मैंने यही सोचा था कि चलो अब रमजान भी आ गए हैं तो मैं इतना ज्यादा तंग नहीं करूंगी कि मतलब बच्चे जो है वो बेचारे तंग आ जाए. एक तो उनका रोजा भी होगा, फिर ऊपर से पेंडेमिक में वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लोग रिमोट एरिया से होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है अटेंड करना क्लास को. और ये जो हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, क्विजेस देते हैं, ये भी कर रहे होते बच्चे, तो मेहनत इनकी चल रही होती है, तो क्यों इनको तंग करें. मतलब देखिये, अब मेरा जो अभी जो पर्सपेक्टिव है ना इसको, इस टीचिंग को लेके, थोड़ा ऐसा है कि मैं यहाँ पर बच्चों के साथ इतनी सख्ती ना करूँ इस माहौल में. तो अगर आप इफ यू थिंक कि मैं मतलब कहीं पे अनफेयर हो रही हूँ और मैंने फेयरली आप लोगों के मार्क्स नहीं दिए हैं, या आपको लगता है कि मैंने कहीं पर किसी के साथ कोई ज्यादती की है, तो आप आकर मुझसे बिल्कुल इजीली आकर डिस्कस करें. कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई ग्रज भी नहीं रखती मैं दिल में, मुझे कोई आप लोगों से शिकायत नहीं होगी. आप आके मुझसे डिस्कस करिए, मुझे ईमेल कर दें कि मैम मुझे ये मसला है, तो I will try to solve that problem. I will try to fix the problem. ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को हर तरीके से accommodate करूँ. लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे लग रहा है कि नहीं, okay, यहाँ पर जो है मैम थोड़ा इस तरह कर रही हैं, इस तरह से जो है वो फेयरली जो है वो मार्किंग नहीं कर रही, तो आप मुझे बता दें. ठीक है, और जब मुझे कल हसीब ने बताया था तो मैंने यही कहा था कि एक ऑनलाइन क्लास में मैं कैसे जज कर सकती हूँ, या मैं कैसे ये चीज़ देख सकती हूँ कि एक बच्चा मुझे रीड करके बता रहा है या एक बच्चा मुझे अपने से बता रहा है. जहाँ पे मुझे लगा कि रीड कर रहा है, मैंने उसके मार्क्स थोड़े कर दिए. जहाँ से मुझे लगा कि बच्चा नहीं अपने से बता रहा है, अच्छा कुछ में ये स्किल्स होते हैं, बेशक वो देख के पढ़े हो लेकिन लगता है कि वो जैसे अपने से बता रहे हो, जैसे मुझ में ये स्किल बाज़ों का मतलब मैं करती हूँ, तो मुझमें स्किल है कि मतलब मैं देख के भी इस तरह से पढ़ सकती हूँ जैसे मैं खुद से बता रही हूँ. तो हो सकता है ये स्किल्स दूसरों में भी हो कि वो इस तरह से बताएं जिस तरह से अब जो जज कर रहा है कैमरे की, यानी कैमरा आपका ऑफ है हमें पता नहीं है, तो अब यहाँ पर मुश्किल होगी ना मेरे लिए कि मैं आप लोगों को देखूँ, आप लोगों को मतलब जज करूँ. तो ये बहुत एक चैलेंज, अगर आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है तो हमारे लिए उससे ज्यादा चैलेंजिंग है. हमें जो फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं है. तो मैंने कल हसीब से भी ये कहा कि अगर बच्चों को लगता है कि अनफेयर तरीके से मतलब फेयरली आप लोगों को मार्क्स नहीं मिले हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों के प्रेजेंटेशन को 5 मार्क्स दे दूंगी और 20 मार्क्स का मैं आप लोगों से एक पेपर ले लूंगी, जिसमें आप लोगों से जो है वो 2 क्वेश्चंस उसमें होंगे और 2 क्वेश्चंस को जो है वो आपने आंसर करना है. एक बच्चे ने आपकी कंप्लेंट है कि मेजॉरिटी तो मतलब फेवर में है. ये भी तो देखे, हमें 3 दिन मिले थे, ठीक है, हमने अपनी वो भी स्लाइड्स भी बनाई है और प्रेजेंट भी किया है. तो जो पहले 10 थे पार्टिसिपेंट, उन्हें आपने मतलब कम ही नंबर दिए हैं. जो बाकी थे मैडम, उनके पास टाइम भी ज्यादा था और वो अपना प्रिपेयर भी कर सकते थे, तो उन्होंने अपना इजीली प्रेजेंट किया.
तो हमारे साथ हो जाती है ना पता है अली हैदर, मैं अगर किसी को महीना भी दूं ना तो बच्चों ने एक टाइम पे ही सारा करना होता है, ये बात मुझे पता है। अगर मैं एक बच्चे को 5 दिन दिए और दूसरे को मैंने 10 दिन दिए तो बिलीव मी वो बच्चा भी लास्ट के दो दिन में करेगा, ये बात आप मुझे लिखवा लें। क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मुझे जब टाइम मिलता था ज्यादा तो मैं भी क्या करती थी, बैठ के आराम से आखिरी दिन में करती थी। तो मतलब आप इस चीज के आप बेफिक्र रहें कि किसी को टाइम ज्यादा मिला है किसी को टाइम कम मिला है, क्योंकि फैक्ट इज के वो फैक्ट यही है कि वो जो आपको जो दिन मिले होते हैं वो आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, आप अगेन जाकर एंड में आप अपने जो है वो उन टाइम को यूटिलाइज कर यूटिलाइज खैर नहीं कर रहे होते, लास्ट के 2-3 दिन में आप ये काम कर रहे होते हैं, मतलब अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि टाइमिंग्स तो सारी बातें हमने किसी का जल्दी किसी का हमने एंड में लेना है, तो मैं अल्फाबेटिकली ले लेती हूँ ताकि ये दिल में बच्चों के ना रहे कि मैम ने जो है वो अपने पसंद के बच्चों को तो लास्ट में कर दिया और हमें जो है वो शुरू में हमसे ले लिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं ये अल्फाबेटिकली मैं करती हूँ ताकि ये चीज़ ये मसला ना रहे। और अली हैदर आप लोगों को भी मैंने आप जितने भी जो जिन्होंने स्टार्ट में किए वहाँ उस वक्त ऐसे बच्चे थे जिनके 20 आए होंगे स्टार्ट के बच्चों में से किसी के, तो जरूर आए होंगे नहीं तो 18 तक तो आए होंगे ना। और मैंने मार्क्स दिए हैं, मैं बता रही हूँ मैंने 16 से कम मार्क्स किसी को नहीं दिए, हालांकि कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो 16 से बहुत कम बन रहे थे लेकिन मैंने उनको 16 दिए हैं। इट डजंट मीन कि वो स्टार्ट में उन्होंने दिया है तो इसलिए जो है वो उनकी कमाए नहीं, इसका मतलब ये है कि मैंने जिसकी जितनी परफॉर्मेंस बन रही थी उससे बढ़कर उनको दिया है। ठीक है मैम, मतलब 2-3 लोगों ने ना मुझे, जो 2-3 लोग थे उनको ज्यादा इशू नहीं था, बस उन्होंने मुझे जस्ट बोला था, लेकिन एक लड़की को बहुत ज्यादा इशू हो रहा था। तो उसका इशू था कि मुझे मेरी मिस्टेक्स बताई जाएं कि मतलब इन सबको देखते हुए कि मेरी क्या मिस्टेक्स। तो उसको उसको ये कहे ना कि मुझे मुझसे कंसल्ट करे, आपको क्या पता कि उसकी क्या मिस्टेक थी, बच्चे मुझसे कंसल्ट करे मुझसे पूछे कि उसकी मिस्टेक्स क्या थी मैं बताऊंगी उसको। मेल करें मैम को, तो शी वाज लाइक कि मैंने मेल की है लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मेरे नहीं मुझे एक ईमेल आई थी, मुझे एक ईमेल आई थी और उस ईमेल को मैंने रिस्पोंड किया है बकायदा, मैंने उनको बकायदा ईमेल करके उनको बताया है कि उनका क्या मसला है। ओके मैम, पता है आपको वो बच्चों को लगता है मेरी गलती है मेरे पे, क्यों आपकी क्या गलती है पता नहीं, उनको लगता है कि जैसे मैंने मार्क्स दिए हूं। नहीं तो मार्क्स तो मैंने लिए ना, आप कैसे कह रहे हैं। मैम ने यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता, मैम को पता है। किसी को 25 में 25 मिले, class am I audible to all of you? Yes ma'am. Yes ma'am. Hello, meri awaaz aa rahi hai? Mic problem ho raha. Acha Humaira, aapki baat ka aapko jawab mil gaya ya maine nahi diya? Mujhe main to jawab to diya tha lekin mujhe lagta hai aap log aapne suna nahi, aapki awaaz nahi aa rahi thi. Acha मैंने ये कहा मेरा कि जिस बच्चे ने मुझे ईमेल की थी ना उस बच्चे को मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ, ठीक है, और उस बच्चे को रिप्लाई भी किया, उसको बताया भी है कि प्रॉब्लम क्या है। ओके ओके मैम, उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है कुछ है, तो आप उनसे कहें कि मुझसे कंसल्ट करें। और क्लास हुमेरा का इससे कोई लेना देना नहीं है, हुमेरा इज जस्ट द जी आर ऑफ द क्लास एंड शी इज फंक्शनिंग एज अ ब्रिज बिटवीन मी एंड यू, ठीक है, आपके और मेरे दरमियान एक ब्रिज का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं ये हसीब और हुमेरा। इनमें से किसी का कोई हाथ नहीं है मार्किंग में, इनको पता भी नहीं है, इनकी रूह को भी खबर नहीं है कि मैंने किसको कितने मार्क्स दिए, इवन इनको ये भी नहीं पता था कि मैंने इनको कितने मार्क्स दिए हैं। तो आप ये ना समझे कि अगर जी आर और सी आर बन जाते हैं तो फिर मैं उनको फेवर करूँगी और मेरे फेवरेट्स बन जाएंगे और बाकी बच्चे मेरे बाकी बच्चों से ज़्यादा मैं उनको करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बिलीव मी, मैं फेवरेटिज्म पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि फेवरेटिज्म मैंने करना नहीं है. हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लास में जो बच्चे पार्टिसिपेशन जिनकी ज़्यादा होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिन बच्चों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है उनको मैं फिर फेवर बाज़ औक़ात दे देती हूँ. जहाँ पर मैं दूसरों को नहीं देती वो मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि एक बच्चा थ्रू आउट क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक बच्चा थ्रू आउट सोया हुआ है और पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा. तो मैं उस वक्त उन दोनों, अगर वो दोनों किसी चीज़ की मुझसे फेवर मांगते हैं तो मैं उसको फेवर देती हूँ जो क्लास में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव है और अच्छे मार्क्स लेता है. उस बच्चे की फेवर नहीं करती जो सारा दिन क्लास में आके सोया रहता है या पार्टिसिपेट ही नहीं करता. तो यहाँ पर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मेरा फेवरेट हो गया तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है. नो, ऐसा नहीं है. मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है. मेरे पास 52 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में आई थिंक, तो मुझे, मेरे लिए तमाम के तमाम बच्चे बराबर हैं, कोई किसी से बढ़कर नहीं है. ठीक है, तो ये भी अपने जहन से निकाल दे कि मैं फेवरेटिज्म करूँगी. और बिलीव मी, मैं जानबूझकर किसी के साथ कोई कुछ बुरा नहीं करती हूँ. हाँ, हो सकता है कि किसी गलती पर मैं किसी की बेइज्जती कर दूँ, बेइज्जती इन द सेंस कि मैं उसको पनिश करूँ या उसको मैं हार्शली उससे बात कर लूँ, ये हो सकता है. और ये हक आप मुझे दें कि बिकॉज आई एम द टीचर, यू आर ऑलमोस्ट 52 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एंड आई एम ओनली द वन हु इज लाइक फेसिंग ऑल द चैलेंजेस, लाइक वो ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी तरफ से मुझे आ रहे हैं और आपको सिर्फ एक बंदा मिला हुआ है जिसकी तरफ से चैलेंजेस आपको आते हैं और वो मैं हूँ. और मेरे पास 50 से ज़ायद बच्चे हैं जो मुझे चैलेंजेस दे रहे होते हैं और मुश्किलात का मुझे जो है वो सामना करना पड़ रहा होता है उनकी, यानी आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं पे. और आप लोगों को भी लगता होगा कि मैम हमें टफ टाइम दे रही है, तो मैं तो सिर्फ एक अकेली जान हूँ और आप इतने ज़्यादा लोग हैं और आप सबके लिए मैं अकेली हूँ जो चैलेंजिंग टाइम कभी कभार दे देती हूँ. वरना तो मैं यही समझती हूँ कि आप लोग जो है जितना कोऑपरेट आप करेंगे उतना ही मेरी तरफ से कोऑपरेशन होगी. तो अगर मैं कहीं देख लूँ कि आप लोगों ने कोऑपरेशन करना छोड़ दिया है तो फिर मैं तो अपने उसी फॉर्मर सेंस में आ जाऊँगी, फॉर्मर जो है वो इस कंडीशन में आ जाऊँगी जहाँ पर मैं बहुत कम जो है वो बच्चों को फेवर देती हूँ. तो आप देख लें. खैर, यहाँ पर ये कि अगर आप लोगों को वाकई कंसर्न है तो मुझे कोई मसला नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को मैं पर्सनल नहीं लूँगी. अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं तो प्लीज़ डू कम टू मी, डिस्कस इट विद मी, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो. ठीक है, मुझे ईमेल करें, मुझसे पूछें जो आपने पूछना है. हुमैरा और हसीब को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, दे आर जस्ट अ सी आर एंड अ जी आर जो कि कुछ नहीं कर सकते. एक्सक्यूज मी मैम. जी हफीज. प्रेजेंट नहीं हुई थी मेरी. प्लीज आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. प्रेजेंटेशन हुई थी, मैं उस मैम ने इस्लामाबाद जा रहा था, मेरी फर्स्ट डे थी तो मुझे पता. बेटा अभी आपने फिलहाल ना इसके बारे में बात ही ना करें, मैंने इसके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि मुझे बच्चों पे बहुत गुस्सा है कि वो उन्होंने बगैर किसी इंफॉर्मेशन के अपने जो है वो प्रेजेंटेशन को दिया नहीं है और अब मुझसे फेवर मांग रहे हैं. मैं फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कर सकती. फिलहाल आप मुझे कुछ ना कहें, बाद में मैं खुद आप लोगों से हो सकता है कह दूं, लेकिन अभी आप मुझे कुछ ना कहें क्योंकि मुझे आप लोगों पे गुस्सा है. नहीं मिस, आपने गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं, कुछ होते हैं, कोई बात नहीं मिस. मुझे पता है ना दूसरा सेक्शन इनको. हमारे स्टार्ट में गया हूँ, मुझे पता है. ठीक है, उसकी क्लास भी 11 बजे होती थी, उसकी क्लास भी 11 बजे होती थी. मैं 8 बजे में आ गया क्योंकि वो मिस इतनी सख्त थी कि मैं बस भाग के उधर से इधर आ गया. वो इनको सिर्फ एक हफ्ते के लिए मिस, मैं कह रहा हूँ 2 क्लासे ये लेंगे, इनकी तबीयत साफ हो जाएगी. उन्होंने जिस तरह मिड लिए ना, हमारे यहाँ पे लिया जाए ना तो 30 बच्चे पास होंगे, कम से कम 30% बच्चे, बाकी सारे फेल हो. उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 50 नंबर का पेपर लिए और 7 वाइवा भी लिया. और उनके तकरीबन अभी तक 5 क्विज हुए थे और असाइनमेंट तो बेशुमार थी. हाँ हाँ,
अच्छा नहीं देखिए आपकी बात सही है, हर एक का मुख्तलिफ तरीका होता है टीचिंग करने का और हर हर एक अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू इम्पार्ट अ क्वालिटी एजुकेशन। वो अपनी एक पूरी कोशिश कर रही है, वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा जो है वो एजुकेशन दे, एक अच्छा माहौल दे और एक स्ट्रिक्टनेस के साथ वो चले। क्योंकि मैं खुद भी एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ तो मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स को कि वो मतलब क्यों स्ट्रिक्ट हो रही हैं। वो अलग बात कि मैं मतलब अब आकर जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी सी मैं हो गई हूँ, थोड़ी सी खैर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैं हो गई हूँ, मैं बच्चों को थोड़ा जो है वो फेवर देने लगी हूँ। लेकिन मैं चूंकि खुद भी इस कश्ती का सवार हूँ और मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ तो मैं उनको समझ सकती हूँ कि वो अपने तरीके से अपने हिसाब से उनको उनको यही लग रहा है कि वो सही कर रही हैं, जैसा कि मुझे लग रहा होता है कि मैं सही कर रही हूँ, मुझे जैसे अभी लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है हर टीचर पे कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता है और कैसे वो अपना तरीका रखता है और किस तरह से वो इवेल्यूएशन या असेसमेंट्स करना चाहते हैं। अच्छा मैं आपको ये कह रही थी कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों का मिड टर्म कैसे हुआ है, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोगों ने कुछ किसी से जिक्र नहीं करना, आपने बस ये कहना है कि हाँ हमारा भी पेपर हुआ है, ठीक है। तो फिर जो है वो ताकि फिर बच्चे जो है जारी बात है फिर वो कंपेरिजन शुरू करेंगे और फिर इस तरह की बातें होंगी तो अच्छा नहीं रहता। आई बात समझ में क्लास, ठीक है। किसी से कोई जिक्र ना करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस बस आपका मिड टर्म हो गया है और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, दैट्स इनफ। आपको मजीद जो है वो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से हुआ क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो किसी से ज्यादा डिस्कस ना करें। अब मेरे सेक्शन में जगह भी नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पास ऑलरेडी 50+ बच्चे हैं तो जगह तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो मतलब हम जो करते हैं उनको बाकी बच्चों को बता के उनके दिल में ये ख्वाहिश ना लाएं बेचारे कि वो ये सोचे कि हम कहाँ हैं ये वो। क्योंकि देखिए हर टीचर जो है वो अपने हिसाब से ना बेस्ट दे रहा होता है, तो हम ना किसी को नहीं कह सकते कि मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग अपना आप लोगों का अपने एक पर्सपेक्टिव है और आप लोग अपने उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं और ये आपका हक भी है, जाहिर बात है हर कोई अपने हिसाब से सोचता है और हम टीचर्स हैं और हम लोग अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है जिस तरह से भी है और आप बस शुक्र अदा करें कि इस पेंडेमिक में ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों का साल ज़ाया किया गया हो या आप लोगों का सेमेस्टर ज़ाया किया हो या आप लोगों की पढ़ाई को रोक दिया हो, आप लोगों की पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोगों का गैप नहीं आया। बहुत से यूनिवर्सिटीज तो ऐसे हैं जो अभी भी बंद है मेरे ख्याल में, जिन जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो नहीं कर रहे। तो उन बच्चों का क्या होगा जो दो साल से जिनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, जिनकी डिग्री पीछे चली गई है, पूरी दुनिया ऑनलाइन पर आ गई है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह UMT ने भी अपना ये जो है वो अपना बरकरार रखा और वो भी ऑनलाइन सिस्टम कर रही है। ऑल दो कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ जो है वो हम कहेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये देखिए एडवांटेज भी है सबसे बड़ा कि आपका साल ज़ाया नहीं हो रहा, ठीक है। चलें तो जो आपके पास है ना आप उसी से खुश रहें और उसी को जो है वो आगे लेके चलने की कोशिश करें। अच्छा क्लास, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को कोई इशू नहीं है इससे मार्क से, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे ही है ना? प्रॉब्लम है? नहीं मैम, ओके चले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा खैर ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस वीक का, रमजान का आई मीन टू से, और रमजान के बाद अगेन द सेम टाइमिंग्स वुड बी देयर 8 to 9:15 हमारी टाइमिंग्स होंगी और हम लोग रमजान के बाद 8 पे हम लोग मिला करेंगे, 8 पे हमारी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो क्लास को ईद के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो 8 बजे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वीक जो हमारा होगा वो ईद का वीक है और उसमें आप लोगों ने जारी बात ईद बनानी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा अच्छा खाना है और खूब इंजॉय करना है। लेकिन ये कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बाहर ना जाएं, घरों में रहें, आपकी जान है तो फिर ये जान है, अदरवाइज अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर आपके जो है वो इन लग्जरीज का या इन फन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और ईद पे बेशक अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सेल्फीज़ लें, खाने पीने की चीज़ों की पिक्चर ले लें बेशक और उसको शेयर करें। और ये एक वक्त आएगा
आगे 10 साल बाद आप पलट कर जब देखेंगे 2020 और 2021 को, तो फिर आपको पता चलेगा कि पेंडेमिक कोरोना नाम की कोई चीज़ भी, कोई बीमारी भी आई थी, और हमने एक ऐसी लाइफ गुजारी है जिसमें बिल्कुल हम घर में ही कैद होकर रह गए थे। और आप आगे अपने जो है वो आने वाली नस्लों को भी बता सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि हमने एक ऐसी लाइफ भी गुजारी है। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने। मैम अगर आप कहें तो इस पे एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जो आप कह रही हैं प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ईद पे प्रोजेक्ट बनानी है, बनाएंगे नहीं, या नहीं बिल्कुल ईद पे प्रोजेक्ट बनाने, वैसे ये अच्छा है, ये अच्छा है जो मैम आपने ईद में मस्ती करने प्रोजेक्ट बनाया। मेरी बात सुने, 10 छुट्टियां आपकी हो जाएंगी ना, आप अगर देखें सैटरडे से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट संडे तक, तो बन जाते हैं तकरीबन 9 दिन। तो 9 दिन आप लोगों ने घर पे बैठ के क्या करना है, प्रोजेक्ट कर लें कोई अच्छा सा। नहीं, हमने बाहर जाए कौन सा, आपने पूरा पूरा पूरे 9 के 9 दिन ही आप लोगों ने ट्रेवल करना है। 5 दिन तो कम से कम ट्रैवलिंग ही होते हैं। 5 दिन तो आपने कुछ ज्यादा ही बल्का कर दिया, 3 दिन 2 दिन तो यहाँ से सफर सफर में ही लग जाते, 3 दिन बंदा एंजॉय भी ना करे। हाँ, फिर 2 दिन जो है वो आराम आराम करने में लग जाते हैं ना। इसी तरह मिस पे 9 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चले कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, फिर हम यू करते हैं। हाँ जी मैम, आप भी अपना ईद के बाद आप कोई काम करेंगे? ईद के बाद हम लोग करेंगे, ईद के बाद हम लोग जो है अपना जो एसेस है उसको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एसेस का भी 21st सेंचुरी का भी बता दूं क्लास, ये जो एसे है ये जो बुक है, इस बुक में हमने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, हमने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, तो हम वो पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हमारा ईद के बाद का जो हमारा टाइम होगा उसमें हम जो है वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर जो है वो अपना एसे को टच करेंगे। ऑल्दो मैं खुद इस फेवर में ज़्यादा नहीं होती कि मतलब जिनका मेजर इंग्लिश नहीं है उन पर इस तरह के मोटी मोटी बुक्स को इम्पोज किया जाए। मतलब मैं यही कहती हूँ कि अगर किसी का मेजर जो है वो इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, एविएशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, PA है या BBA है, जो भी है, उन पर इस तरह के भारी भारी और मोटे नावल्स जो है वो इम्पोज करना, इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी बट इट्स पार्ट ऑफ आवर कोर्स, दैट्स व्हाई आई हैव टू वी हैव टू डू इट। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मजबूर हैं इसको करने में, तो हम करेंगे इसको डेफिनेटली। तो हम अपना नॉवल तो खैर नहीं, अपना एसे स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह आफ्टर ईद। ठीक है, okay, तो बाकी ये कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस रमज़ान का और इस वीक का, और इसलिए मैं आप लोगों को अब कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम मेरा वो जो हमारा क्विज हुआ था, मैम हमारा एक क्विज हुआ था उसमें ना मेरी एक काउंटिंग मिस्टेक थी मार्किंग की, तो वो मैंने आपको बोला था, वो आपने देख ली थी, आपने बोला था कि मैं देखूंगी। हाँ, मैंने ठीक कर लिया था, आपको मैंने बताया तो था कि मैंने ठीक कर लिया, मैंने करेक्ट कर लिया था वो मेरा। मैम रिव्यू राइटिंग के कब मार्क्स लगेंगे? रिव्यू राइटिंग मैंने चेक किया हुआ है, मसला सारा यही है, मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं। मैंने चेक कब का किया हुआ है, चेक में उसी दिन मैंने कर लिया था। हाँ, एक बच्ची है आमने रिशाद, हाँ ये आमने रिशाद यहाँ पर है। आमने रिशाद, मुझे आपका जो है वो आपका वाला ओपन ही नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी। यस मैम, आपका रिव्यू ओपन नहीं हो रहा मुझसे, वो जरा देखें और दोबारा मुझे सेंड कर दें, और PDF फॉर्म प्लीज सेंड कर दें, मुझे लिंक किसी चीज़ का ना भेजें। नहीं, रमजान के बाद 2 बजे क्लास नहीं, रमजान के बाद 8 बजे क्लास। मैं रमजान के बाद मैम। हाँ नहीं, 2 बजे नहीं पॉसिबल। रमजान के बाद ये ना कि हसन, मैं अगर रख भी लूं तो ऐसे बच्चे हैं जिनकी 2 बजे क्लास हो सकती है ऑलरेडी, क्लास होगी। हाँ, तो इसीलिए बेहतर है ना रमजान के बाद, फिर कितना रह जाएगा अभी हमारे, देखिए कितने हमारे हो गए लेक्चर्स, मैं जरा चेक करती हूँ हमारे हो गए। बच्चों से पूछ लीजिएगा, अगर किसी का 11 से 12 नहीं है लेक्चर्स तो उस पे भी रखा जा सकता है 19 या 20 में शायद। नहीं, क्योंकि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि पता है क्या,
बहुत से बच्चों में से कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकल आता है जिनके उन स्लॉट्स में क्लास होंगे, तो बेहतर है कि हम अपने ही इसी टाइम पे रखें, क्योंकि हमारे 19 लेक्चर्स हो गए हैं, आगे कितने लेक्चर्स हमारे रह गए हैं, हार्डली 8 से 9 लेक्चर्स हमारे रह गए हैं बस. ठीक है मैम, अब 8 से 9 लेक्चर्स हमारे रह गए, उसमें अगर आप लोग सुबह 8 बजे जाग भी गए तो अच्छी बात है, आप लोगों को जो है वो फ्रेश एयर मिलेगी और आप लोग जो है वो एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे कुछ दिनों के लिए. चलें चले अटेंड टू रोल कॉल, मैं आप लोगों का अटेंडेंस लेती हूँ, देन आफ्टर दैट आई लीव यू, आप जा सकते हो. और मैंने आज आपको इसलिए कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने यही कहा था कि मैं आप लोगों से बात करूंगी इस टॉपिक पे कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है मार्क्स में तो फिर हम कुछ करते हैं इसका. तो आप लोगों ने, मेजोरिटी ने कहा कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं, वरना मैं आप लोगों से, मेरे पास क्वेश्चन पेपर तैयार है बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, हम आज ही पेपर ले लेंगे या कल ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है. ठीक है चले. ओके आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. ये ले, शेयर हो गया? यस मैम. ओके चले, अटेंड टू रोल कॉल क्लास. हाफिजा हुमेरा अनवर प्रेजेंट मैम. अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब. अहमद मुज्तबा प्रेजेंट. एहसन नवाज, एहसन नवाज. एहतशामुल हक. अली हफीज प्रेजेंट. अली हैदर प्रेजेंट. अली रजा प्रेजेंट. अलीना राशिद, अलीना राशिद. आमना इरशाद, आमना इरशाद. प्रेजेंट मैम. अनीस मुख्तार प्रेजेंट मैम. अंसा फातिमा, अंसा फातिमा. अंसा फातिमा क्यों नहीं आ रही है, जरा पता करे हो मेरा, इनके इनके एब्सेंसेस बहुत ज्यादा हो गए. दानिश रहीम मैम, वो की कहते उसकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है, वो भी आ रही है, कनेक्ट कर रही है. नहीं देखिए, लास्ट 2 लेक्चर्स में भी वो नहीं थी, 29th और 3rd मई को भी वो नहीं थी. ओके ईशा जमील, ईशा जमील. फराज अहमद खान प्रेजेंट मैम. हदीकतु जहरा प्रेजेंट मैम. हसान बिन राजिक, सॉरी हसान बिन ताहिर, हसान बिन ताहिर. कायनात जिया प्रेजेंट. किरण जावेद मैम, उसका वो माइक नहीं चल रहा लेकिन वो प्रेजेंट है क्लास में. ओके मिनहाल नजम प्रेजेंट मैम. मोहिद अब्दुल्ला, मोहिद. मुबशर अली, मोहम्मद हम्मास प्रेजेंट. मोहम्मद अहमद प्रेजेंट. मोहम्मद अशर बख्तियार प्रेजेंट. बेटा आप लेट आए हो अशर, देख लो आप. मैम मैं क्लास में ही था, मैं अभी निकल गया था क्लास, मेरी ना नेट थोड़ा मसला कर रहा था, मैं निकल गया था, मैं क्लास में ही था मैम, आप चेक कर लीजिएगा. अच्छा मोहम्मद बिलाल राणा, बिलाल राणा. मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा थे वो, मैं क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी पहले. मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल. मोहम्मद दानियाल. हारून रियाज, मोहम्मद हसान बिन राजिक. सलमान जाकिर प्रेजेंट. मोहम्मद शर्जील. यस मैम. मुज्तबा आसिफ, मुज्तबा आसिफ. नसीम हैदर, कैस अब्दुल्ला. रमशा महसूद, रमशा महसूद. रिमशा महबूब, रिमशा महबूब. रोशान इजाज, रोशान इजाज. सादिया जावेद प्रेजेंट मैम. समीर अहमद मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी. समीर अहमद. सना अनवार, शमीम बुशरा. अच्छा सना अनवार है, सना अनवार, सना अनवार. शमीम बुशरा सना. प्रेजेंट मैम.
Soban Yusuf. Present. Sumaiya Arif. Present. Usman Altaf. Usman Altaf absent. Usman Liaqat. Present, ma'am. Basiq Bhatt. Present, ma'am. And Zahid Abbas. Present, ma'am. Okay, class. Hamari class mein koi primary class ka bachcha aa gaya hai? मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी तो मेरी डिस्कनेक्ट हो गई क्लास। ओके, क्लास हमारी क्लास में कोई बच्चा आ गया क्या, प्राइमरी लेवल का, 5-6 साल, 4-5 साल का बच्चा? मैम लग रहा है ना, ये स्क्रीन देखकर मुझे भी लग रहा है कि कोई आया है बच्चा हमारी क्लास से प्राइमरी लेवल का, जिसको बड़ा अच्छा लग रहा है, वो स्क्रीन पे ना लकीरें मार रहा है। यस मैम। लेकिन कोई बात नहीं, नाम आ चुका होगा, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगी तो नाम पता चल जाएगा कि लकीरें किसने मारी है। मैम वो शायद मुझसे गलती से लग गया। किससे गलती से लग गया? मैम मुझसे वो गलती से लग गया और पता नहीं चला, अब वो रेजर भी नहीं हो रहा। चल छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दें इसको, अभी मैं कर देती हूँ। ओके क्लास, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। मैम आपने शॉपिंग कर ली? नहीं मैं बिल्कुल गई नहीं बाजार, मैं बिल्कुल नहीं जा रही। आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए नहीं जा रही, मैं यही सोचती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बाहर जाके आऊंगी और आके उनको उठाऊंगी गोद में, ये वो, तो फिर वो अल्लाह ना करे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए। मैम मोहम्मद हसन बिन राजिक प्रेजेंट। हाँ जी मैं लगा चुकी हूँ हसन बिन राजिक। तो क्लास आप लोगों ने भी ईद की शॉपिंग कर ली होगी, है ना? लड़कियों ने तो जरूर कर ली होगी, इतना तो मुझे यकीन और भरोसा है कि लड़कियों ने तो जरूर कर ली। क्या कह रही हैं? मैंने और कपड़े बना लिए हैं कि अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, अब इस दफा माफी दो, क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। अगर अगर कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, बंदा जो है वो पुराने कपड़े भी निकाल के पहन सकता है ना, जो पिछले ईद पे पहनने हो। हाँ ना वो बात नहीं है, क्योंकि हमने ज्यादा आना जाना घर है नहीं, किसी से मिलने जाना तो नहीं है, इसलिए बॉयज तो खैर उन्हीं जो है वो ट्राउजर और शर्ट में अपना अपनी ईद निकाल देते हैं, और स्पेशली लॉकडाउन में उन्होंने यही करना है। हाँ जी वो मुझे पता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि बॉयज, जैसे मेरे भाई वगैरह भी जो है वो उनकी ईद होती है तो वही जो है वो उनका ट्राउजर होता है घर का, और वही टी शर्ट पहन के वो घूम रहे होते हैं ईद वाले दिन। बस मैं नमाज के लिए बस कपड़े चाहिए होते हैं, वैसे उसके बाद रवा नहीं होते। हाँ नमाज के लिए बंदा पढ़ के फिर आ जाता है घर पे आके, फिर वो लंबी तान के सो जाते हैं, तो उनकी ईद ऐसे गुजरती है। लड़कियों की ईद बड़ी अच्छी होती है, लड़कों की बड़ी बोरिंग सी ईद होती है ना। लड़कियों की ईद ऐसी होती है ना कि लड़कियों की चीजें और लड़कियों के कपड़े ज्वेलरी और फिर तैयार होना, फिर ये बड़ा अच्छा रहता है। लड़कों का क्या है, मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह से, उनको मैं पहना देती हूँ कपड़े और बस खत्म, बात ही खत्म हो गई, फिर कपड़े पहन के तैयार होने में। और लड़के अच्छे है ना, वो एक सूट भी 10 दफा पहले पता भी नहीं चलता, लड़कियों का ये पता चलता है मिनटों में तैयार हो जाते हैं, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना कि मेरे दो बेटे हैं और एक बेटी है छोटी सी, माशाल्लाह से 1.5 साल की है, वन ईयर फोर मंथ्स की है, तो वो दोनों भाई तैयार हो जाते हैं 2 मिनट में। मैं उसको छोटी अपनी बेटी को तैयार करके उसकी पोनी बनाती हूँ, उसके बाल सेट करती हूँ, उसको ये वो, तो मतलब उसका टाइम लग जाता है भाइयों से ज्यादा, हालांकि छोटी सी नन्नी सी एक जान है और एक छोटा सा इंसान है, आप समझ लें, उसकी तैयारी में मुझे भाइयों से ज्यादा टाइम लगता है। और भाई जो है ना वो दोनों बस पहन के बैठे होते, देख रहे होते हैं, और शिकायत भी उनकी होती है कि मम्मा आप हमें नहीं करती और बहन को ज्यादा करती हैं, तो मतलब लड़के जो है ना वो बड़े सिंपल से होते हैं। लड़कियां बेचारी ज्यादा नहीं होती गैदरिंग में आना जाना, उनका नहीं होता, वो ये है कि वो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, बॉयज का ज्यादा होता है वो अपने दोस्तों में जाते हैं, लेकिन दोस्तों में भी जाते हैं तो फिर वही अपने उसी हुलिये में जा रहे होते हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता। मैं विद इन फैमिली बात कर रहा था। हाँ विद इन फैमिली ये होता है ना कि लड़कों को ज्यादा शौक नहीं होता फैमिलीज में जाने का, हाँ ये तो है लड़कियों को होता है, लेकिन लड़कों की अपनी एक उनकी गैदरिंग होती है, अपने एक सर्कल होता है।
लड़कों ने सारा दिन सोना होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लड़कों का और कोई काम नहीं है, बस सोना है और चरपाई तोड़ना है बस। चलें क्लास, आप लोग भी बस अब तैयारी करें कि आप लोगों ने भी, लड़कों ने जो है वो चरपाई तोड़नी है और लड़कियों ने अच्छे से तैयार होकर पिक्चर्स लेनी है। ओके चलें, एडवांस में आप सबको ईद मुबारक, अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी ढेर सारी खुशियां दे, आप लोग के थैंक यू सो मच, और अल्लाह आप लोग की फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस बला से बचा के रखे, और आप सब ने दुआ करना है इस कोरोना के लिए, इस पेंडेमिक के लिए, ये इस कोविड के लिए कि ये चला जाए और पूरी दुनिया की जान छूटे इससे और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके, ठीक है। तो चले, नेक्स्ट वीक हमारा ऑफ होगा, नेक्स्ट वीक हमारा कोई लेक्चर नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, दोबारा सेम वही टाइमिंग्स होंगी 8 से लेकर 7:15 तक, ठीक है। तो सी यू देन क्लास, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। आप लोग अभी ये जो शब-ए-कदर स्टार्ट हो गया है तो प्लीज इन रातों में दुआ कीजिएगा एक दूसरे के लिए, मुसलमानों के लिए और इस पेंडेमिक के लिए और स्पेशली मेरे लिए, ठीक है। आपकी टीचर हूँ तो टीचर को जरूर दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता कर अपने ज़मान में रखे। ओके क्लास, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज। मैं आपको नेक्स्ट मेल करती हूँ, अगर ओपन हो जाए तो आप बता दीजिएगा, मैं करती हूँ मेल, आप मुझे सेंड कर दे फिर मैं देखती हूँ, ठीक है। ओके मैम, चल अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।